हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट की हुई है हमने। लास्ट टाइम तक हमने sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दिए। आज लास्ट टाइप है जो कि आपकी बुक के लिहाज से लास्ट टाइप है, पर इसके अलावा भी टाइप्स हैं। आपकी बुक के लिहाज से लास्ट टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको पहले वाले दो हाइब्रिडाइजेशन की कांसेप्ट वगैरह है तो ये वाले इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन तकरीबन तकरीबन उनकी तरह की, जहां पे हमने कहा था जी 1s 2 भी मिलते हैं, यहां पे हमने कह देना जी 1s 1 भी मिलेगा, पर इनके मिलने से दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। सही है। अब यही फिर हमने यहाँ पे लिखने से पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस, ये वो तरीका का आ रहा है जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस वो तरीका का आर इन विच वन पी ऑर्बिटल आर कंबाइंड, या इंटरमिक्स भी कह सकते हैं, आर कंबाइंड, या फिर आप इसकी जगह पर वर्ड इंटरमिक्स भी कह सकते हैं, इंटरमिक्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए टू ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें खास बात ये होती है टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जी एंड शेप। सही है। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बिल्कुल इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। बिल्कुल जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है sp3 में, उनका था जी 1s 3 भी मिलते हैं, ओवरऑल 4 ऑर्बिटल बनते हैं। sp2 में हमने कहा जी 1s 2 भी मिलेंगे और ओवरऑल कितने बनेंगे जी 3, और यहां पर हमने कहा जी 1s मिलेगा क्योंकि हमने sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है। 1s मिलेगा, 1 ही p मिलेगा, जिसके नतीजे में दो ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है, सेम शेप होती है। अगर सेम एनर्जी सेम शेप नहीं लिखना चाहते तो वहां पर डिजिटेड ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। इसका हम क्या कह रहे थे, इस कार्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या मतलब इसकी शेप के लिए या डायग्राम के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक जनरल डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पे क्या मतलब है एस और पी के मिलने से किस तरह की शेप्स बनती है। अगर मैं कहता हूँ सपोज किया मेरे पास, अब मैंने बात की एक एस मिलाना है एक पी मिलाना है, सही है, क्या करना है एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलाना है। अब जो मर्जी एस ऑर्बिटल मिला रहे, जो मर्जी पी एस ऑर्बिटल तो एक ही है यानी कि स्फेरिकल शेप का होगा, लेकिन पी ऑर्बिटल 3 तरह का है, px py एंड pz। अब इन तीनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी यूज करें, इसकी कंडीशन ही बता रहा है कि px से हमेशा ये sp हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल होगा, कभी भी नहीं, जो मर्जी यूज करें, अमाउंट हम यूज कर रहे तो px ही होता है। सही। यहां पे हमने क्या किया है जी, ये हमारे पास स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल, सही है, और ये वाला हमारे पास होता है डंबल लाइन। ये हमारे पास क्या है जी, डंबल लाइन। अब ये एस ऑर्बिटल है, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, इसको पी एक्स कह देता हूं। तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास इस तरह का ऑर्बिटल बनता है कुछ ये वाला। अब यहां पर देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, ये चेक कर रहे हैं बिल्कुल क्या है, एक ही लाइन में दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर शेप है। इसकी शेप कैसी है, लीनियर, और लीनियर शेप का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल आप चेक करेंगे यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा होता है। ये दो बातें याद रखनी है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है और 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। ये बात एक्सप्लेन कर ली, इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे जाना है जी, इसके एग्जांपल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही कोई ना कोई एग्जांपल्स आपने एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे जो एग्जांपल बुक वाला एक्सप्लेन कर रहा है वो इथाइन, इसकी है इथाइन की है,
एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारे पास इथाइन भी, इथाइन इथाइन का अगर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखा जाए, ये होता है सी के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एच सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी एल, ये हमारे पास इथाइन का फॉर्मूला है। तकरीबन बातें सेम है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करनी है। क्या बात कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए जी हेडिंग दे लें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाद में इसकी बात भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन पहले दो चीजें सेम है कि ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी और हाइब्रिड सॉरी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की होगी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे। कार्बन के अंदर छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे ग्राउंड स्टेट की, ठीक है? ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पे एटम ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करता है, यानी आपकी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब छह इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये दूसरा ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ऑर्बिटल आपने इकट्ठे बना लेने। ये हमारे पास है 1s, ये हमारे पास 2s, ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz ऑर्बिटल। अब देखिए छह इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, पहले ऑर्बिटल में दो आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में भी दो आ जाएंगे। अब बाकी जो तीनों ऑर्बिटल इनकी जो एक लाइन बनते हैं, सेम की एनर्जी सेम होते से, सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दे। इसके बाद आ जाता है इस कार्बन सिक्स की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है जी? कि इसमें एनर्जी जजब करनी है, एनर्जी जजब करके इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होनी है, इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवानी है हमने। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। चलिए यही बात हमने यहाँ पे करनी है, ये जी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी हमारे पास यही वाली चीजें वैसे की वैसे ही आ जाएंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने ये ऐड कर देना। ये कहां से आए? यहां से एक साइड हो गई, यहां पे चला गया। अब ये ऑर्बिटल के नाम लिख दीजिए, 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब यहां तक बात करिए, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन से डिस्कस कर रहे हैं, मेन बात हमारे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन इस बारे sp। sp का मतलब क्या है कि हमने एक sp लेना, यहां से जो मर्जी भी मिला रहे बाकी को छोड़ देना, एक s एक p मिलाना है, दो ऑर्बिटल को इकट्ठे कर देना, उसको हम sp ऑर्बिटल का नाम देंगे, बाकी आपने सारी की सारी चीजें वैसे छोड़ देंगे। चलिए मैंने क्या किया जी, चलो तो मैं कह देता हूं ये वाला दो एक एस मिला दिया, ये वाला और ये वाला एक पी मिला दिया, सही है? बाकी आपके दो वैसे के वैसे ऑर्बिटल रह जाएंगे जिसको हम कहते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में ये वाले दो ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, सही है? और इन ऑर्बिटल को हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? 2py एंड 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। में आगे जाके ये वर्ड यूज करूंगा, सिर्फ आप इतनी बात याद रखिए, इन दो ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, ये दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? ये तो वैसे ही कंप्लीटली फ्रीड है, इसमें ना तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, कुछ भी नहीं। चलिए जी अब लास्ट में हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइज स्टेट बनानी है कार्बन सिक्स की, कार्बन सिक्स की हाइब्रिडाइज स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट। ये क्या हमारे पास ऑर्बिटल्स बना रहे हैं यहां पे, देखिए ये वाले हमारे पास आगे जो ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल में वही दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइब्रिडाइज स्टेट आई तो हमने क्या किया जी, दो ऑर्बिटल को यहां पे इकट्ठा कर दिया, कौन कौन सा, एक एस और एक पी को मिला के यहां पे ये वाले ऑर्बिटल का नाम याद रखिएगा, क्या बनेगा अब? एसपी एसपी ऑर्बिटल। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले जो दो ऑर्बिटल हैं, इसको हम कहते हैं ये कौन से हैं? 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, आप बेशक ना लिखिएगा, ये वाले जो दो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये वाला ऑर्बिटल हमारे पास क्या है जी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
चलो ये यहां तक बात एक्सप्लेन कर ली है। अब नेक्स्ट आ जाता है वही चीज स्ट्रक्चर से एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर किस तरह का इथाइल मॉलिक्यूल का बनता है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, यहाँ पे इन दो चीजों में फर्क रख लो, स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है इन दो चीजों में फर्क रखना है। चले मैं पहले स्ट्रक्चर में आते हैं, बाद में इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। स्ट्रक्चर की कुछ इस तरह की होगी हमारे पास, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे हमारे पास। अब होता यह है कि पहला ये वाले दो ऑर्बिटल, ये मैं दोनों का ना रंग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर करके बनाऊंगा ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है देखना, ये वाला इसको इसके ऊपर हाथ रखेंगे बिल्कुल लीनियर शेप में आ रहे हैं, चेक कर लें एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल लीनियर शेप में आते हैं। ये वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड, इनका नाम भी लिख देता हूं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना। ये क्या है नाम इसका, एसपी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है एसपी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है एसपी ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है हमारे पास, यानी सारे के सारे एसपी ऑर्बिटल। आपने सिर्फ उसे देखना है एक कार्बन एटम की सिचुएशन को, तो ये एक को छुपा लेना, एक कार्बन एटम देखना उसकी शेप जो होगी। वैसे तो यहाँ पर सारे लीनियर में आ रहे हैं लेकिन जो शेप देखनी पड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम की देखनी है। अब देखे बाकी दो ऑर्बिटल बचे हुए ये वैसे के वैसे आएंगे यहाँ पे, तो ये अब ये है कौन से, क्योंकि वाई वाई को हम इस तरह बनाते हैं, जी को इस तरह हम बना रहे हैं, तो यहाँ बनाए आप, क्योंकि वाई और जी को यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ बनाने लगा हूं, ये हमारे पास आ गया जी वाई और ये आ गया जी, सेम काम यहां पे मैंने किया, ये वाई और ये जी। अच्छा बनाते वक्त एक बात याद रखनी है, बनाते वक्त बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है इस चीज में, अगर आपने चेक करें एक ऐसे एक ऐसे दूसरा ऐसे यहां पे ऐसे, बाद में अगर आप बाद में ऐसा होता है मिस्टेक होती है बंदा ऐसा बना देता है, अगर आपने इस साइड पे ऐसे बनाना है तो इस साइड पे भी आपका ऑर्बिटल ऐसे ही आना चाहिए, बना सकते हैं दोनों साइडों पे, क्योंकि यहाँ पे आप थ्री डायमेंशनल तो रिप्रेजेंटेशन कर नहीं सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है सही है। असल में ये तीनों एक्सिस में होते हैं ऑर्बिटल, ये कहाँ पे होते हैं तीनों एक्सिस में। अब यहाँ पे आप बेशक इसको इस साइड बना रहे, तो जब ये इस साइड बनेगा तो यहाँ पे भी आपको इस साइड पे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह बना रहे हैं इस ऑर्बिटल को तो यहाँ पे भी इस ऑर्बिटल को इसी तरह बनाना पड़ेगा, ये बात आप छोटी सी ध्यान में रखिएगा, बाकी चीजें इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया ओवरलैपिंग की वजह से, वो कौन सा है जी, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, क्या बन गया जी, पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया है, कहाँ बना है ये वाला ओवरलैपिंग से, और ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है जी, एसपी एसपी ओवरलैपिंग, कौन सी एसपी एसपी ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, कल कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन गया। यही बात हम यहां पे थोड़ी सी वर्डिंग कैसे लिखते हैं, वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय एसपी। और ये बात याद रखिएगा, ये वाला एस कभी भी ना लिखिएगा, मैं देख ले जब भी लिखता हूं मैं तो दूसरे वाला एस लिख रहा हूं सही है। जब भी एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमेशा वही वाला एस आपने यूज करना है, ये वाला एस यूज नहीं कर सकते, एसपी ओवरलैप, ये पहली बात आपने यहां पर बताया। अब इसके बाद यहां पर देखे एक और भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कहां पे जी, ये वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या करना है जी, यहां पे चेक करना है एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना अपने साथ सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, यही स्ट्रक्चर दोबारा बनानी है सही है, वही सिग्मा बॉन्ड दो कार्बन एटम के दरमियान में, चलिए ये वाला हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये वाला ऑर्बिटल जो हमारे पास बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था वो बना दिया है,
और इसके अलावा यहां पे ये 2PY और यहां पे 2PZ, 2PY और ये वाला 2PZ ऑर्बिटल। अब यहां पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड तो बना दिया हमने यहां पे ध्यान। अब क्या है, नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा जी, इन दोनों के दरमियान में ओवरलैपिंग क्या करवानी पड़ेगी। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देना है, एक हाइड्रोजन आपने यहां पे लगा दिया, सही है, एक हाइड्रोजन वहां पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया, एस ऑर्बिटल है। और हाइड्रोजन एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की जाए उसके एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने कहा जी इसका एस ऑर्बिटल यहां पे आकर ओवरलैप कर जाएगा और उस साइड पे भी आकर ओवरलैप कर जाएगा और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कितने बॉन्ड बने, दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं। और कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, ये वाला ऑर्बिटल क्या नाम क्या है, एस पी, और ये वाला ऑर्बिटल क्या है, एस। सेम काम, ये वाला ऑर्बिटल क्या जी, एस, ये वाला ऑर्बिटल क्या जी, एस पी। इनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब यही बात आपने बतानी है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज 1s1, ये हमारे पास 1s1 है। अब यहां पे होता क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, दो सिग्मा बॉन्ड बने बाय ओवरलैपिंग ऑफ एसपीएस ऑर्बिटल, एसपीएस ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होता है कि ये जो दो ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिडाइज है, कौन से जी, y और z, यहां मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी y और z को, कहते हैं ये दो ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और जब भी आपने ये बात पढ़ी हुई है, जब भी इस तरह बॉन्ड बनता है, एक होता है लाइन वाइज तो एक होता है पैरेलल, जब भी पैरेलल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड होता है। अब देखिए कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल्स, बस दो पाई बॉन्ड बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बनेंगे, ये चक्कर सारे के सारे एक ही वो लाइन के अंदर आगे मिले, इसलिए हमने कुछ सिग्मा बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। ये भी इस साइड से आया, इस साइड से आया लाइन में, लेकिन ये वाला लाइन में मिल सकते, ये वाला इस साइड को आएगा, ये वाला इस साइड को, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये सब पैरेलल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं जी इसके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किडनी शेप यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जी, इस तरह किडनी बना देते हैं, ये और किडनी शेप यूज करते हैं। यहाँ पे मैं वही काम करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है जी, ये वाला बाकी चीजें सारी के सारे ऊपर वाले सेम आपने उठा के यहाँ पे लगा देंगे, सही है, ये वह तकरीबन चीजें आपकी सेम ही रहेंगी। यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल, यहाँ पे एस ऑर्बिटल, और यहाँ पे अब हुआ क्या है जी, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया है, एक पाई बॉन्ड, आपने जो स्ट्रक्चर ऊपर बनानी है वही स्ट्रक्चर, यानी किडनी शेप बनानी है, जो दो पाई बॉन्ड यहाँ पे हमने बना दिए। अगर इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता, सही जी, देखें मुख्तलिफ तरीकाकार है रिप्रेजेंट करने के, ये रिप्रेजेंटेशन के मुख्य तरीकाकार, आप इस तरह भी कर सकते हैं, सही है, काम वही किया है मैंने, ऊपर वाला ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड दरमियान में, ये वाले क्या है, एक किडनी से जो पेयर होता है वो एक पाई बॉन्ड को, ये दूसरा पाई बॉन्ड, और इसको सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए और ज्यादा सिंपली कहते हैं जी इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ये वाली चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी, इसको और ज्यादा सिंपली कर दें, आपकी मर्जी, अगर आप इसको इस तरह बना दें, इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे सारी स्ट्रक्चर ही बना दें, एग्जामिनर को कम से कम पता हो कि हमें बच्चे को इतना नॉलेज है कि किस तरह सारी की सारी चीजें बन रही हैं, किस तरह ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं।
चलिए लास्ट वाला पॉइंट रहेगा जी, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं और दो पाई बॉन्ड बना देते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या है जी? 2PY एंड 2PZ। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ऑर्बिटल्स 2PY नाम भी लिख दें, 2PY एंड 2PZ ओवरलैप टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं एंड फॉर्म और बना देते हैं टू पाई बॉन्ड्स, ये दो पाई बॉन्ड बना देते हैं और ये आपकी स्ट्रक्चर सारी की सारी खत्म हो गई है। अब लास्ट में दो हेडिंग्स रह जाती हैं, वो कौन कौन सी है जी? ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री आपको पता ही है, यहाँ पे लिखी हुई है, हेडिंग दे दीजिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसकी बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है। क्या होती है ज्योमेट्री? हमारे पास लीनियर है, ज्योमेट्री ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज इथाइन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इज लीनियर, ये लीनियर होती है, चक्कर है सारी तरह एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, सही। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास बॉन्ड एंगल। क्या बॉन्ड एंगल क्या होता है जी? बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल इन sp hybridization is 180 degree। तो ये आपकी sp hybridization complete होगी। तो ये एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए बंद कर दें बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह, एक दफा इसको सुनने के बाद आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया sp hybridization। sp का मतलब क्या है कि नाम से रिप्रेजेंट कर sp, एक एस ऑर्बिटल मिलाना है, एक पी मिलाना है, इन दोनों के मिलाने से दो ऑर्बिटल बनने हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, इसको हम एस पी ऑर्बिटल कहते हैं। अब यही चीज हमने एक्सप्लेन की, एक एस और पी ऑर्बिटल मिलने के बाद हमारे पास लीनियर शेप आती है। लीनियर शेप ही क्यों आई है, उसकी रीजन आपको पता है जी, विस्पर थ्योरी ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। यह बहुत शेप है अगर दो ही ऑर्बिटल हो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, आप देखें दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल, यानी कि आपने बिल्कुल उनके दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। देखें इस साइड से मैक्सिमम डिस्टेंस है, नीचे से भी लेके जाएंगे मैक्सिमम डिस्टेंस है, किसी साइड से कम या ज्यादा नहीं, सही है। अब एग्जाम्पल की बात की, इथाइन मॉलिक्यूल है हमारे पास, इथाइन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सबसे पहली बात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले उनकी ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट यानी कि हमने सिंपल कहा जी, जहां पे ना तो एटम एनर्जी जज़्ब करता ना ही खाली करता है, वो ग्राउंड स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया आउटर ऑर्बिटल में चला, यानी हमने खुद हीट दी है, सही है, ये वाली एक्साइटेशन हुई। एक्साइटेशन के बाद नेक्स्ट आ जाती है हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या जाती है? हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है जी, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं, ये तो एक एस और एक पी, क्योंकि हमने पढ़नी एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और एक पी ने आपस में मिलना है और ये हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट होती है, सही। इसको हम और बाकी जो दो ऑर्बिटल, एक एस एक पी मिला, बाकी जो दो ऑर्बिटल मैंने कहा ये अनहाइब्रिडाइज है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी हिस्सा ले रहे हैं। क्यों एक एस और एक पी ले रहे हैं? क्योंकि हमने टाइप ये डिस्कस करनी है, अगर एस पी टू होती तो हम आपको वो बता दें कि एक एस और दो पी लेते हैं सर, सही है। अब ये वाला हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं, इसको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, बॉन्डिंग में लेते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है वहां पे इसका नहीं, इस मालोराइज से देख रहे बॉन्डिंग में ऐसा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दोनों के दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहा है दोनों की वजह से। अब इसके बाद कहते हैं पहला सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है जी, इस तरह शेप बनाने सीख लीजिएगा, सही है। बच्चे कहते हैं यहाँ पे कहाँ पे लीनियर शेप है, तो शेप भी कोई और बन रही है। यहाँ पे हमें जो चीज देखनी है, अपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप देखनी है और किसी चीज की नहीं देखनी शेप। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो शेप है ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सही है, चेक करें बिल्कुल लीनियर शेप है। अब दोनों पे आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद sp ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन कार्बन एटम का पहला सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद दो हाइड्रोजन एटम बाकी दो ऑर्बिटल के साथ जुड़ते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड और बना देते हैं
कौन से ओवरलैपिंग की वजह से एस एस पी या एस पी एस ओवरलैपिंग, दोनों नाम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो दो ऑर्बिटल 2PY एंड 2PZ, ये वाला 2PY और ये क्या हमारे पास 2PZ, ये भी 2PY और ये हमारे पास 2PZ, ये आपस में ओवरलैप होते हैं, दो पाई बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम सिंपली इस तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक गाइड लीनियर है, बॉन्ड एंगल इसके दौरान 180 डिग्री का होता है। यही है आज का लेक्चर।